गोरखपुर जिले में बृहस्पतिवार को 1092 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 511 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 543 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 38 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 65 एवं 60 वर्षीय दो पुरुष व 154 वर्षीय महिला, जनपद महाराजगंज में 149 वर्षीय पुरुष और जनपद लखनऊ में 159 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 32,707 हो गई है। इसमें 405 की मौत हो चुकी है, 24,374 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 7,928 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।